केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक पटना के मौर्य होटल में चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 2 अप्रैल यानी कि कल अमित शाह बिहार के सासाराम और नवादा में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन इससे पहले सासाराम में जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई पूरे शहर में धारा 144 लागू होने के बाद, वहां पर अमित शाह का कार्यक्रम रद्द हो चुका है और नवादा में कल अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ बड़ी बैठक भी अमित शाह करने वाले हैं और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि मिशन 24 को लेकर अमित शाह बड़ी बैठक करने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब अमित शाह पटना पहुंचे तब की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरीके से तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो अमित शाह के स्वागत में नजर आ रहे हैं, चाहे वो बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल हो या फिर सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह भी वहां पर मौजूद है। और ये बड़ी तस्वीर है, देखिए अमित शाह पटना पहुंचे हैं और सबसे बड़ी चीज की लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति जो है वो बड़ी बनेगी और इस रणनीति के तहत ही अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी कार्य करने वाली है। सबसे बड़ी बात कि सासाराम में जिस तरीके से हिंसा हुई और हिंसा के बाद अमित शाह का कार्यक्रम रद्द हो गया, बिहार भाजपा सीधे इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमलावर है। और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा देने में बिहार की जो सरकार है वो कहीं से भी कम नहीं है और चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो अब जहां अमित शाह की रैली है वहां पर शुरू हो गई है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच चुके हैं और राजधानी पटना में अमित शाह नेताओं के साथ आज भी मुलाकात कर रहे हैं और बड़ी बैठक उनकी हो सकती है और इसमें साफ तौर पर मिशन 24 को लेकर जो है वो प्लानिंग हो रही है कि कैसे मिशन 24 को पूरी तरीके से आगे सफल बनाना है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कद कैसे अब नीतीश कुमार से आगे बढ़ेगा, इस तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम नेता जो हैं वो आज स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह मात्र 34 दिनों के बाद बिहार आ रहे हैं। इससे पूर्व भी अमित शाह फरवरी महीने में बिहार आए थे और बिहार में ही अमित शाह ने हुंकार भरी थी, लेकिन अब इस बार जब अमित शाह हैं तो सीधे तौर पर वो लोकसभा चुनाव की रणनीति भी बनाएंगे और मिशन 24 का शंखनाद अमित शाह ने बिहार से ही किया था, पूर्णिया में विशाल रैली को अमित शाह ने संबोधित किया था, लेकिन अब आगे बिहार भाजपा के नेताओं के साथ बड़ी रणनीति बनाएंगे और कैसे मिशन 24 को सफल बनाना है, कैसे महागठबंधन को धूल चटाना, इसकी रणनीति भी अमित शाह बनाकर चले हैं। तो अब बिहार बीजेपी के नेताओं को मूल मंत्र भी अमित शाह देने आए हैं, तो लाजमी है भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी काफी है। कल नवादा में अमित शाह बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।